हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका माय इग्नू सॉल्यूशंस में। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके लाई हूँ DCE 4। सब्जेक्ट का नेम है राइटिंग फॉर मीडिया रेडियो टेलीविज़न। सॉल्व असाइनमेंट 2021-22 तक के बच्चों के लिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको नोट दिया हुआ है ऑल इग्नू हेल्प बुक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। असाइनमेंट हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड हो जाएंगे। एंड यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अगर आपको हमारे इस असाइनमेंट की PDF फाइल चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये असाइनमेंट आपके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपको हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने हैं, नोट्स ज्वाइन करने हैं या ई बुक्स किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो का अपडेशन मिलता रहे। या अगर आपको हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करना है तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो अब हम चलते अपने असाइनमेंट पर, देखते अपना असाइनमेंट। स्टूडेंट्स, ये हमारा असाइनमेंट है DCE 4। सब्जेक्ट का नेम है राइटिंग फॉर मीडिया रेडियो टेलीविज़न। सेंडरी सॉल्व असाइनमेंट 2021-22 तक के बच्चों के लिए। ये हमारी आंसर शीट है, इसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये इसका ए पार्ट है, इसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्टूडेंट, डिस्क्रिप्शन में हमने आपको लिंक दे दिया है, वहाँ जाकर भी आप इन असाइनमेंट्स को ले सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, हमने कैसे पैराग्राफ वाइज आपको ये आंसर एक्सप्लेन किया है, कितने क्लीन तरीके से आपके लिए असाइनमेंट बनाया है। आई होप आपको ये आंसर समझ में आ रहा होगा। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। देन आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, ये इसका ए पार्ट है, इसका आंसर भी हमने दिया हुआ है यहाँ पर आपको। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपके लिए असाइनमेंट और जूम कर दिया है ताकि आप आसानी से इस असाइनमेंट को देख सकें। स्टूडेंट्स, ये असाइनमेंट हम ऑल ओवर इंडिया में प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर। देन आता है थर्ड क्वेश्चन, ये इसका ए पार्ट है, इसका आंसर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमने यहाँ पर कैसे पॉइंट टू पॉइंट आपको यहाँ से एक्सप्लेन कर रखा है। स्टूडेंट्स, ये असाइनमेंट आपको इस पूरे इंडिया में किसी के पास नहीं मिलेंगे, इसलिए आप हमसे डायरेक्ट बाय करें और इस असाइनमेंट का मटेरियल आपके एग्ज़ाम में भी काफ़ी हेल्प करेगा। सो आप इन असाइनमेंट्स को अपने एग्ज़ाम टाइम में पढ़कर जाएं ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मैं कितने धीरे धीरे स्क्रोल डाउन कर रही हूँ ताकि आप आसानी से वीडियो को स्टॉप करके लिख सकें या इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। देन आता है फोर्थ क्वेश्चन, इसका आंसर आप यहां पर देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप इन क्वेश्चन आंसर्स को ब्लैक या ब्लू पेन में लिखें। अगर आप किसी अदर पेन का यूज़ करेंगे तो इग्नू यूनिवर्सिटी में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसलिए आप ब्लैक या ब्लू पेन का यूज़ करें। देन आता है फिफ्थ क्वेश्चन, इसका आंसर भी आप यहां पर देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस असाइनमेंट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप देख सकते हैं फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। स्टूडेंट्स, ये असाइनमेंट हमारे यहां पे फिनिश होता है। आई होप यहां तक ये असाइनमेंट आपको समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा DCE 4, सब्जेक्ट का नेम है राइटिंग फॉर मीडिया रेडियो टेलीविज़न। सॉल्व असाइनमेंट 2021-22 तक के बच्चों के लिए। स्टूडेंट्स, ऐसी लेटेस्ट और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का अपडेशन मिलता रहे। एंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।